अभी कुछ नहीं बोलना है। ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया था। सबको क्लियर है वर्क डन में? हेडिंग डालो, आज हम लोग हीट पढ़ेंगे। हाँ जी, हीट के बारे में। सो बेटा, हीट क्या होता है? किसको बोलते हैं हीट? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। राइट इट डाउन। फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखिए आप लोग। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। क्लियर है सबको? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहीं पे, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं कि कोई सिस्टम है, उसका स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो हम बोलते हैं भाई इस सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, इस सिस्टम का वॉल्यूम इतना है, इसका प्रेशर इतना है, बट इस सिस्टम का हीट इतना है, ये बोलना बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। हीट किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है, आशीष। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? हीट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी सिस्टम। फिर क्या है? हीट सिर्फ फ्लो करने का, मतलब हीट ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ फ्लो करती है। फ्लो भी कब करेगी? जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। लिख लिया सबने? ओके, ग्रेट। सो अब भाई बात आता है कि हीट को अगर हम किसी बॉडी को सप्लाई करें तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस होंगे या क्या क्या चीजें कर सकता है हीट? तो जब भी किसी बॉडी के अंदर आप हीट सप्लाई करते हो तो उनके वाइब्रेशनल जो एनर्जी है, यानी जो मूवमेंट वाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ने लगती है। एक टाइम ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो नेचुरली टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि आपने हीट सप्लाई किया, बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ऐसा भी केस आता है। फिर वो हीट जा कहाँ रही है? को बोलते हैं कि वो लेटेंट हीट हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल पता नहीं चल रहा कहां जा रहा है। सो रियलिटी में जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता है तो ट्रांजिशन हो रहा होता है। किस चीज का? फेज का ट्रांजिशन। इसे याद करो, कभी वाटर अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए, H2O 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो टेम्परेचर वहीं का वहीं रह जाएगा और ये वेपर स्टेज में जाने लग जाएगा। ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। सो हीट का काम है या तो टेम्परेचर बढ़ाना और या तो फिर फेज ट्रांजिशन कराना। लिखो, इफ हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी देन क्या क्या हो सकता है बेटा? देन temperature of the body may rise or phase transition may take place. Now one thing is very very important, during phase transition temperature is constant. ये बात लिख लेना, during phase transition during phase transition what temperature is constant during phase transition temperature is constant. अच्छा बेटा, मैंने word phase का use किया, मैंने state use नहीं किया। phase इसलिए बोल रहा हूं कि carbon diamond ये भी solid है, लेकिन अगर तुम इसके transition temperature पे जाओगे तो ग्रेफाइट में जब चेंज हो रहा हो सॉलिड, वाइस वर्सा, कार्बन ग्रेफाइट एक सॉलिड है,
जब ये कार्बन डायमंड में चेंज हो रहा हो, तो लेट आपको मालूम है ग्रेफाइट एंड डायमंड में थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट। आप देखने में तो ऐसे लग रहा है हार्ड ही है, बट स्टेबल ये होता है ना। मतलब आप इसको हीट दोगे तो ये सॉलिड से सॉलिड में ही है, लेकिन तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहने वाला है ये ट्रांजिशन के टाइम। तो फेजेस को कैसे समझ सकते हैं? फेज रिफर्स टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए दोनों सॉलिड होते हुए भी फेजेस अलग अलग है। आ रहा है बात समझ में सबको? वेरी गुड। लिखिए ये बात, देखो डायमंड एंड ग्रेफाइट, ऑल दो बोथ आर सॉलिड बट दे हैव डिफरेंट फेजेस, दे हैव डिफरेंट फेज। डायमंड एंड सॉलिड, सॉरी डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर सॉलिड बट, बोलो, हैव डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेज, नोट डाउन। चलिए भाई, तो जब फेज ट्रांजिशन ना हो रहा हो उस समय हीट क्या करता है? तो हीट का काम है टेम्परेचर बढ़ाना। तो जब भी आप क्यू को देखोगे हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहीं से एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट ना। हीट कैपेसिटी, बोलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नेक्स्ट मोलर हीट कैपेसिटी। राइट इट डाउन, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, हाउ डू वी डिफाइन हीट कैपेसिटी? कितना हीट आपने सप्लाई किया कि बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो गया। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? कितना आपने हीट सप्लाई किया बॉडी का टेम्परेचर 1 यूनिट चेंज करने में पर यूनिट मास। इसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी कैसे होता है? क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू एन, नंबर ऑफ मोल। देखो ये बात, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 यूनिट, 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई, ओके। एक बात बताओ, अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी ट्रांजिशन के टाइम पे डिफाइन नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रांजिशन के टाइम पे डिफाइन नहीं होता, बल्कि क्या बोलते हैं, अगर लूज सेंस में बोलना हो तो बोलते हैं जब फेज ट्रांजिशन हो रहा हो उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इवन हीट कैपेसिटी, दे बिकम इनफाइनाइट। मतलब मैं हीट दिए जा रहा हूं बट टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, समझ रहा ना। तो हीट कैपेसिटी मैंने आपको डिफाइन किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है पर यूनिट मास, मोलर आ जाएगा। तो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन जब फेज बदल रहा हो तो हमारा लेटेंट हीट डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? कितना हीट दिया पर यूनिट मास टू चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम, ओके। लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज इट्स फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज
एट कॉन्स्टेंट, बोलिए, टेम्परेचर पर यूनिट मास, ऑफ कोर्स पर यूनिट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द फेज, चेंज द फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो बेसिकली बेटा यहाँ से Q की वैल्यू जो भी आएगी, अगर हीट कैपेसिटी दिया हो तो Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T। यहाँ Q दिया हो मतलब यहाँ पे अगर निकालना हो तो Q इज इक्वल टू m इंटू, अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल s या स्मॉल c दोनों ही होता है, सो एम एस डेल्टा T, और इसकी वैल्यू होती है मोलर हीट कैपेसिटी की n इंटू सी डेल्टा T, इसको डिफाइन करते हैं कैपिटल C। समझे? हाँ, यहां अगर हीट निकालना हो तो क्या बोलोगे, m इंटू n। समझ में आया सबको? बोलिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लिखिए। The temperature of a vessel is increased from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. The temperature of a vessel is increased from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. ठीक है? If its heat capacity value is 40 calorie per degree Celsius, then find the amount of heat supplied, and find the amount of heat supplied. कितना आ रहा है, बोलिए बेटा। तो बताओ हीट की वैल्यू, हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, कितना आ गया 4000। अच्छा एक टेबल भी बनवाता हूं, आपको मालूम है ये जो मोलर हीट कैपेसिटी, ये पाथ डिपेंडेंट चीज होती है, जैसे जैसे आप पाथ बदलोगे वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, अलग अलग प्रोसेस के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सो आइडियल गैस के लिए ये वैल्यूज डिफाइंड है एंड फिक्स्ड है। देखो इसी जो मैंने यहां पे आपको सी बताया, अगर CV लिखा हो CP लिखा हो इसका मतलब क्या होता, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्लियर है सबको? मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, CP is the molar heat capacity at constant pressure. यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? हाँ, अब लिखो for ideal gas the value of CP and CV
depends upon atomicity of the gas. For ideal gas, the value of Cp and Cv depends upon, बोलिए बेटा, किस पर डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी. ओके, तो मैं आपको टेबल बना रहा हूं. यहां सीरियल नंबर, यहां एटॉमिसिटी. यहां ले ले रहे हैं वैल्यू ऑफ सी वी, यहां ले ले रहे हैं वैल्यू ऑफ सी पी, और यहीं पे एक टर्म डिफाइन कर ले रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गामा. गामा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी पी टू सी वी. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जो सी पी का वैल्यू होता है आगे चल के डिराइव करोगे, वो सी वी प्लस आर होता है. CV में R आप ऐड कर दो तो वो CP बन जाए. इज दैट सिंपल? ठीक है. अब सबसे पहला, कौन सी गैस? मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो गैसेस. CV की वैल्यू कितनी होती है याद कर लो, 3/2 R. और CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इसमें R और जोड़ लो, so 3/2 R plus R कितना हो गया? बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं जो वैल्यूज बता रहा हूं, मोनो एटॉमिक में तो खैर चाहे कैसा भी कंडीशन हो वैलिड है, बट अगर डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक की बात किया जाए कितना है, 1.67 ना. सो बेसिकली आपने सीपी देख लिया. अब मैं बात कर रहा था कि अगर डाई एटॉमिक ले लिया, कोई बताएगा एग्जांपल क्या? H2O2N2CO, समझ में आ रहा है? डाई एटॉमिक गैसेस, इनके लिए होता है 5/2 R. अब मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, ये जो वैल्यू मैंने यहां लिखा है इसमें वाइब्रेशनल एनर्जीज को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि आप सोचो वाइब्रेट करने का मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेच हो रहे हैं, एंड बॉन्ड को स्ट्रेच होना इतना आसान काम नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा. सो वो केस आ जाए तो बिल्कुल कहानी अलग है, अदरवाइज सीवी का वैल्यू इतना ही होता है, 5/2 R. अगर वाइब्रेशनल कंसिडर करना पड़ गया तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पे, है ना, ये बहुत रेयर है कि एग्जामिनेशन में इस पार्ट को टच करे. वाइब्रेशनल के केस में आपको एटॉमिसिटी देखनी पड़ती है पहले, जैसे इसमें भी हमें देखना पड़ रहा है. मान लो मेरे को CH4 के लिए लिखना है, तो इसका जो CV का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 3/2 R प्लस इसमें जितने एटम है, कितने एटम है बेटा? 5 एटम है ना, बोलो कितने एटम है? 5 × 3 कर लो, एटॉमिसिटी कितना आ गया ये? 15. सो बेसिकली 3 × एटॉमिसिटी, ए रिप्रेजेंट्स एटॉमिसिटी, माइनस 3 + 3 = 6. कुछ पता चल रहा है क्या लिख रहा हूं? नहीं पता चले तो ज्यादा अच्छा है, × R, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जब वाइब्रेशनल आ जाएगा तभी. सो बेसिकली जो CV की वैल्यू है वो 3/2 R प्लस 3/2 R प्लस 3 times ऑफ एटॉमिसिटी माइनस 6 times ऑफ R. अगर आपको कहीं कोने में एक जगह लिख करके रखना हो, दिस we have to consider considering
considering vibrational degree of freedom. Considering vibrational degree of freedom. समझ में आ रहा है? Okay. So now this 5/2 R, अभी तो मैंने उसको neglect मार दिया इसलिए ज़्यादा आसान है। ये 3 था, ये कितना हो गया 5/2, देखो 3 से ये 5/2 वही value यहाँ use कर लिया, ये कितना हो जाएगा बोलो 7/2। अभी ये value इधर नहीं use करेंगे, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5, कितना आ गया ये 1.4। और यहाँ पे पॉली एटॉमिक कितना हो जाएगा, जैसे पॉली एटॉमिक में नॉन लीनियर हो तो अच्छी बात है, तो 2R होता है बेटा, यानी 3R, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/2R, यानी 4R, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, 1.33। ये टेबल आप याद कर लो, ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 mole ऑफ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 mole ऑफ अमोनिया गैस from 400 degree Celsius to 450 degree Celsius. लिख लिया ना, बताओ वैल्यू कितना होगा, कितना है आंसर? देखो सब कुछ लोग कैलकुलेट करने लगे, बिल्कुल सही सर। द वैल्यू ऑफ सी वैरीज ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस, आपने प्रोसेस तो बताया ही नहीं, आपने सिर्फ बोला कि 4 से 450 लेके गए, कैसे लेके गए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल से, आइसोथर्मल, खैर आइसोथर्मल तो हो ही नहीं सकता, 4 से 450 लेके गए, आइसोबेरिक से ले गए कि आइसोकोरिक से ले गए, किस तरह से, तो लिख लो कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलोरी में हीट जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका कॉमन यूनिट कैलोरी होता है, वर्क कभी भी कैलकुलेट करते हैं उसका कॉमन यूनिट जूल होता है, इसलिए कल मैं आप लोगों को जूल में मोस्टली कैलकुलेशन करा रहा था, आज ये कैलोरी में सही है। एग्जैक्ट बताओ ना, इतना कोई कैलकुलेट नहीं, कर लिया बेटा।
सीपी देख लिया आप लोगों ने, सीवी देख लिया, सब चीज मालूम चल गया ना। बताओ किसका मैंने बात किया, अमोनिया ना। अमोनिया कौन सी कैटेगरी का गैस है? पॉली एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक है बेटा, और मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे बोला है। तो कितने लोग कह रहे हैं सीपी का वैल्यू कितना आएगा पॉली एटॉमिक के लिए? 4R, 4R कर दिया। और क्यू की वैल्यू हमें मालूम है, जब फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा हो तो हम एन सी सी डेल्टा टी लगा सकते हैं। सीपी इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर। बताओ मोल कितना था? 2। सीपी का वैल्यू कितना है? 4R। डेल्टा टी कितना है? 50। कितना आ गया बेटा? 400R आ गया। अब आंसर अगर आपको कैलोरी में चाहिए तो 400 × 2 कैलोरी कितना आ गया? याद है ना कल का डिस्कशन? बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड Find the amount of heat required to raise the temperature of H2O from 20 degrees Celsius to 70 degree Celsius at constant pressure. हाँ, मोल्स लिख लो। For 36 grams of water. कितना आ रहा है सर? 800। कैलोरी सारी सेम आंसर आ रहा है और सभी लोगों का गलत है, सभी लोगों का गलत है। एक लाइन से सबका गलत है। दोबारा चेक करो क्या गलती है, गलती फिगर आउट करो। चेक तो करो कहां गलत हुआ। H2O कैसा मॉलिक्यूल है? ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर है। लीनियर कहां से बोल रहे हो? नॉन लीनियर। तो इसके लिए सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? यही लिखना ही गलत है क्योंकि H2O इज नॉट आइडियल गैस। यही है, यही आधी अधूरी बात समझते तुम। मैंने लिखवाया है बढ़िया से कि आइडियल गैस के लिए ये सारी वैल्यूज हैं। क्या H2O, हाँ ठीक है ये बिहेव कर सकता है आइडियल गैस की तरह, लेकिन कब? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चला जाए तब ना ये गैस की जैसा बनेगा। अभी फिलहाल कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये तो 20 डिग्री मतलब लिक्विड वाटर है। और अब मैं थोड़ा सा और याद दिलाता हूं, कितने लोग कह रहे हैं लिक्विड वाटर के लिए तो हमें इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू सबको मालूम होता है, नहीं मालूम हो तो याद कर लो। 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो इसका आंसर सीधे सीधे कितना आया था? Q = ms delta T। m की वैल्यू कितनी थी? 36 ग्राम।
इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर कैल्विन। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 50 कैल्विन या डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, चेंज तो एक ही होता है ना। कितना आ गया ये आंसर? अरे 36 × 5 कितना होता है? 180 होता है, तो ठीक है 1800 कैलोरी। और आप लोग क्या आंसर कर रहे थे? 800 कैलोरी। समझ आया क्या गलती हो रहा था? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर लो, ताकि कहीं पे भी सीपीसीवी का वैल्यू मत यूज करने लग जाना, ठीक है। वैसे भाई मैं वाटर की सारी वैल्यूज आपको बता दे रहा हूँ, याद कर लो। H2O आइस, इसकी वैल्यू कितनी होती? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी। अच्छा SH2O लिक्विड का कितना होता है, मतलब ये सॉलिड था? 1 कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी। अच्छा वाटर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि याद कर जाओ, ज्यादा अच्छा है। अब ये तो हो गई आइस और इसकी ना, कितने लोग कह रहे गैस बन जाएगा, तो गैस के केस में डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोसेस ले रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या कोई और प्रोसेस पे। समझ आ रहा है बात मेरा? तो इसलिए यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी बता देता हूं तुम्हें। 80 कैलोरी चाहिए होगा 1 ग्राम को, अगर आपको लिक्विड से कहां पहुंचाना है, गैस नहीं, फ्यूजन है ना, सॉलिड से लिक्विड जाना है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है सबको? बोलिए। ठीक है बेटा, ये नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन कर लीजिए साथ के साथ, जब मैंने इतना बता दिया है तो लिखिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ to convert 2 gram of H2O ice, which is at minus 20 degree Celsius to H2O vapor at 100 degree Celsius. करिए, मतलब कि यहां से इसको यहां तक पहुंचाने में कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी, और ये डेटा आप यूज कर सकते हो जो मैंने दिया हुआ है।
कर लिया भाई सभी ने? अरे बच्चों क्या है आंसर? सबसे पहले कितने लोग कहेंगे सर इसको ना हमें कई स्टेप में ब्रेक करना पड़ेगा, H2O आइस से पहले H2O क्यों ऐसा करना पड़ेगा? ये गलत है, H2O लिक्विड नहीं, H2O आइस तक ही ब्रेक करना पड़ेगा। ये -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, आपको मालूम है 0 पे H2O मेल्ट होता है, बोलो भाई। तो अब इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, H2O अब लिक्विड हो गया यहां से यहां, ये Q1 है ये Q2। यहां से कितने लोग कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से जब तक 100 नहीं हो, और अब 100 पे ही इसे कहां जाना पड़ेगा? वेपर फॉर्म। ये हो गया Q3, हो गया Q4। तो Q required is basically sum of Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4। ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे? क्योंकि मैं मालूम है कि भाई ये phase transition है, इसकी value M into L होती। ये सुनो, phase transition में M into L, और यहां सेम फेज में है तो ms डेल्टा t लगा सकते हैं। तो बताओ भाई Q1 कितना आएगा? मास 2 ग्राम 2 ग्राम था, s कितना होता है 0.5 पर ग्राम पर केल्विन इनटू 20 केल्विन। ये सुनो, -20 से 20 कितना आ गया बेटा? 20 आ गया क्या कैलोरी। Q2 कितना है बेटा? Q2 का वैल्यू कितना होगा? सो M इंटू L फ्यूजन 2 था इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये 2 ग्राम था, ग्राम से ग्राम गया, ये आ गया कितना 160 कैलोरी। कितने लोग कह रहे हैं Q3 का वैल्यू? Q3 का वैल्यू M S डेल्टा T, मास 2 ग्राम, S कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 केल्विन। भाई 100 केल्विन बोलो या 100 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, चेंज हमेशा सेम ही होता है केल्विन एंड सेल्सियस में। कितना आ जाएगा बेटा ये 200 एंड Q4 का वैल्यू वो कितना होता? अगेन M इंटू L, M कितना है 2 ग्राम, ये कितना है 540 कैलोरी पर ग्राम, कितना आ गया बेटा टोटल जोड़ के बता दो 160। कितने लोग का सही हुआ था ये? वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो हीट के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी आ गई, सीपी क्या है, सीवी क्या है, कैसे यूज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे एंड विल सी इफ यू गाइस कैन। पता है अभी आप देखो तो मैंने बताया यार आइस का वैल्यू क्या है 0.5 और लिक्विड वाटर का कितना है 1 कैलोरी, बट क्या ये वैल्यू ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होती है? क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती? आंसर ये, दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे चले जाओगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ जाती, समझ गए? तो एक क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का, लिखो। बहुत लोअर टेम्परेचर पे, हाँ माइनस का मतलब -200-300 के आसपास, 300 कहाँ जा पाएंगे, -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाले में, ठीक है लिखो। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड is raised from 123 degrees to
इसमें 50 ऐड करो तो कितना आ रहा है? ऐड करने के प्लस साइन के साथ, चलो 50 उसमें से घटा दो, कितना आ रहा है? 73 आ रहा है पक्का? -73 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 2 gram sample of above solid, 2 gram sample of above solid. Consider the value of specific heat capacity which is varying as 1 plus T. Iska unit calorie per. पर डिग्री सेल्सियस या पर बताइए वैल्यू, बताइए हीट की और किसकी वैल्यू? कर लिया भाई, आइए देखते हैं कैसे करना। चलिए आप सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं वो देख लेते हैं। Q की वैल्यू क्या होगी? एम एस डी टी का इंटीग्रेशन, कितने लोगों ने ये किया? इस बारी S का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैं डी टी ले रहा हूं, अदरवाइज डेल्टा टी ले लेता। तो अब यह कहां से कहां तक? टी वन से टी टू। बेटा T1 कितना है केल्विन में? प्लस 27। बाबा ये यहां पे तो केल्विन में ही रखना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 150। एंड T2 कितना आ रहा है? अच्छा यहां पे M का वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2 S की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस T इंटू dt। बताओ m dt का यहां 1 है तो क्या हो जाएगा? t, और ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर भाई। समझ में आ रहा है क्या? कहां से कहां तक? t1 से। अभी कितने लोग कह रहे हैं कि ये आ जाएगा सर m, बाहर ही रखते हैं, t2 माइनस t1 प्लस t1 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाई टू। डिड यू गाइस गेट इट?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने रख दिया। याद रखना यहाँ पे, सॉरी मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे पर केल्विन लिख लिया कि फर्क पड़ जाएगा, नहीं यहाँ पे लिमिट में फर्क पड़ जाएगा। ये तो हम केल्विन वाला ही यहाँ पे यूज कर रहे थे वैसे, ठीक ठीक है। अब बताइए वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एम की वैल्यू कितनी थी, इंटू टी टू माइनस टी वन कितना है, टी टू माइनस टी वन 50 ना, 50 प्लस टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बताओ, 2800 क्या शायद बोल रहे हो, टी टू माइनस टी वन, टी टू प्लस टी वन, कुछ समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, टी टू माइनस टी वन कितना होगा 50, और ये कितना हो जाएगा 350। कैलकुलेशन ऐसा हो गया, हाँ कितना आ रहा है पक्का ना, 17500, ये दो जीरो ये आ जाएगा 35 × 5, ठीक है, एंड अपॉन टू था, बताओ कितना आ गया, सेवन एट कितना आ गया, ये 8 8 मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 17, क्या बात है, सुंदरा का कैलकुलेशन बहुत सही है, नहीं बहुत अच्छा है। चलो बेटा तो यहाँ तक हो गया, सभी का क्लियर हो गया, तो बेटा इसी के साथ वर्क एंड हीट ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुए हमारे। अब हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये क्या होते हैं इनके बारे में समझ, हेडिंग डालो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, difference between state function and path function. Difference between state function and path function. समझ में आ रहा है क्या सबको? अब भाई देखो नाम से ही क्लियर है, स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि किस पाथ से आप वहां पहुंचे, ठीक है लिखो ये बात, हाँ जी, ओनली स्टेट। देखो दोज फंक्शन हूज वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन, हूज वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट
only depends on initial and final state, does not depend on the process. Okay, example कौन कौन से state function के example कौन कौन से, enthalpy, internal energy, Gibbs free energy, समझ रहे हो, entropy, कर लिया, लिख लिया, अब लिखो path function. ऐसे variables जिनका value किस पे depend करे, path followed. अब जैसे मैं आपको graph से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो बेटा ये initial state था, ये final state. अब यहां से यहां आप फर्स्ट पाथ से गए हो, सेकंड से गए हो या थर्ड से गए हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जिसमें यहां से यहां का जो चेंज होने वाला है वो इस बात पे डिपेंड ही ना करे कि पहले से आए हो कि दूसरे से आए हो कि तीसरे से आए हो, वो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं. और जिसमें इस बात से फर्क पड़े कि आप पाथ वन फॉलो किए हो या टू किए हो या थ्री किए हो, वो पाथ फंक्शन. मुझे बताओ कितने लोग बोलते लिखते ही क्लियर हो जाएगा W इज अ पाथ फंक्शन, वर्क डन, क्योंकि ये क्या होता है, इंटीग्रल PdV और एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व कितने लोग कह रहे हैं, थर्ड वाले का सबसे कम है, सेकेंड वाले का उससे थोड़ा ज्यादा है एंड फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा है. पाथ डिपेंडेंट हो गया ना, जहां आप एक जगह से दूसरे जगह ही रहे हो, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट. थोड़ी देर पहले हमने हीट के बारे में भी देखा था कि कांस्टेंट प्रेशर से जाओ तो वैल्यू सी का ही बदल जा रहा है, तो हीट का वैल्यू भी बदल जाएगा. बोलो टी वन से टी टू गए, डेल्टा टी सेम है लेकिन सी बदल गया तो हीट बदल गया ना. तो मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट, ये सारे पाथ वेरिएबल्स हैं, पाथ फंक्शन. लिखो वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारे वेरिएबल्स किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ. सबको समझ में आ गया? तो यार सिंपल सा चीज है, वर्क, हीट एंड उससे रिलेटेड टर्म्स जो भी हैं वो पाथ है, बाकी थर्मो में जो भी पढ़ना है हमें वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन. याद रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया. ये ग्राफ बना के दिखा लो कि W1 इज नॉट इक्वल टू W2, नॉट इक्वल टू W3. सिमिलरली Q1 नॉट इक्वल टू Q2, नॉट इक्वल टू Q3 फॉर अ प्रोसेस फ्रॉम A to B. But delta U1 is equal to delta U2 is equal to delta U3. Delta H1 is equal to delta H2 is equal to delta. Delta G1 is equal to delta G2 is equal to delta. Delta S1 is equal to delta S2 is equal to delta S3. ये क्या थे? Path functions. और ये क्या है? State function. इसलिए ये इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं. सबको समझ आ गया यहां तक बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आगे बहुत यूज होने वाला है, मैं बता रहा हूं बेटा. ठीक है, सबको क्लियर है? आइए चलिए. एक प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? कि मान लो भाई आप ए से चलना शुरू किए, बी तक पहुंचे और फिर आपका मन नहीं लगा वहां पे, फिर वापस आ गया. इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस कितने लोग कह रहे हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट उसका सेम हो जाता है, ए से ही गया और ए पे ही. तो कितने लोग कह रहे हैं सर डेल्टा यू विल बी जीरो,
डेल्टा एस विल बी, डेल्टा जी विल बी, बट डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. अरे समझ आ रहा है? क्योंकि यहां से यहां गए आप तो ज्यादा पॉजिटिव में वर्क करना पड़ा, लेकिन जब आप वापस आए तो नेगेटिव में वर्क, मतलब समझो मेरी बात को, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क एक्सपेंशन के टाइम में नेगेटिव होता है और इधर के टाइम में पॉजिटिव. कम पॉजिटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव. बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस में हो तो वर्क डन नेगेटिव. केमिस्ट्री में वर्क डन की मैं बात कर रहा हूँ. वर्क डन भाई गैस पूछ ले तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि गैस का समझ गए ना बात, सिस्टम का पॉजिटिव है, सराउंडिंग का. ठीक है, इस केस में पूछा जाए वर्क बाय सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है. तो देखो 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 मेरी बात, W का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, नॉट ऑन द सिस्टम. मतलब यार जो पॉजिटिव वैल्यू है हम उसी को मानते हैं कि उसी ने वर्क किया, नेगेटिव कोई वर्क थोड़ी ना करता है. तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, समझ गए बात? तो यहां से यहां एक्सपेंशन फिर कंप्रेशन था ना ओवरऑल. तो W का वैल्यू नेगेटिव है, W सराउंडिंग, सराउंडिंग नेगेटिव हो गया तो सिस्टम पॉजिटिव, और सिस्टम पॉजिटिव है तो इसलिए बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम नॉट ऑन द सिस्टम. सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम. सबको क्लियर है? बोलिए बेटा. यस सर. सबको समझ में आ गया? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, सारी चीजें क्लियर हो गई? ओके. अब देखो हम हीट के साइन कन्वेंशन को ले लेते हैं. जब भी हीट सिस्टम को देते हैं बेटा, हीट सिस्टम को देते हैं, ये सिस्टम था हमारा, तो Q का वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव. अगर यहां से बाहर निकल रहा है तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट बड़ा सिंपल सा है. आपने सप्लाई किया सिस्टम को हीट, और अगर बाहर निकला तो अलग. कर लिया बेटा सबने? हाँ, यहां तक नोट कर लिया सबने? ओके. हीट, सो फ्रॉम द प्रोसेस ए टू बी, आपको मैंने ये सारी चीजें समझा दिया था. कौन सा लास्ट था? हाँ,
क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, सबको क्लियर है? अब हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों क्लियर है यहां तक? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए क्या है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनीवन? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना ये ना, ये एक्चुअली बचपन से आप लोग पढ़ते जा रहे हो उसी को ना लॉ के फॉर्म में यहां पे आपको समझना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका लॉ है? कंजर्वेशन का। क्या बोलता है ये कि अगर कोई सिस्टम पे आप हीट सप्लाई करो और साथ के साथ इस पे वर्क करो तो ये इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकता ये। Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, लिखो ये बात, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। यहां W का मतलब किसका है वो? हां जी, W का मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग है, बाय डिफॉल्ट भाई सिस्टम होगा तो यही यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए फिजिक्स में आप क्या पढ़ते होगे? Q is equal to delta U plus W, फर्क है ना दोनों में बेटा? चलो ठीक है, बस W पे ही डिफरेंसेस है, बाकी सब चीज सेम। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू, तो याद करो मैंने आपको डे वन में क्या बोला था, हम लोग थर्मो के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड उनके इंटर कन्वर्जन, तो बताओ हीट एंड वर्क इंटर कन्वर्ट हो गया ना इंटरनल एनर्जी में, बोलो भाई Q प्लस W इज इक्वल। लेकिन फर्क क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये क्या था? पाथ फंक्शन, ये क्या है? पाथ फंक्शन, लेकिन ये क्या है? स्टेट फंक्शन। अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे, लिखिए देखो, इफ 20 किलो जूल इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन किलो जूल बाय ए सिस्टम फ्रॉम चेंजिंग इट्स स्टेट ए टू बी, वो कह रहा है कि ए से बी चेंज करने के लिए अगर मुझे 20 किलो जूल देना पड़ रहा है तो वर्क भी इतना करना पड़ रहा है। फॉर द सेम चेंज इन स्टेट इफ 10 किलो जूल हीट इज सप्लाइड देन फाइंड द वर्क टू बी डन। फॉर द सेम चेंज इन स्टेट If 10 kilojoule heat is supplied, then find the work done
That's it, work done. Work done by default means work done by surrounding. ठीक है, क्या आंसर है भाई? तो देखो मैंने बोला A to B सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा U फॉर बोथ द प्रोसेस विल बी सेम सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड डेल्टा U की वैल्यू क्या है? Q प्लस W. Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू Q2 प्लस, बस बड़ा सिंपल है यार. Q1 की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 40 इज इक्वल टू W2 कितना है? 50. कितने लोगों से हुआ? अच्छा ये चलो समझ तो लिया ना कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन इंटरनल एनर्जी खुद क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, वट इज इंटरनल एनर्जी? कभी आपसे पूछे कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या है, क्या आंसर दो? एनर्जी पोजेस्ड बाई द सिस्टम, बट कौन कौन सी एनर्जी भाई, थोड़ा इनसाइट तो दो. देखो मान लो मैंने गैस लिया है ऑक्सीजन का, सो नेचुरली आइडियल गैस में लेके चल रहा हूं बेटा, समझ रहे हो? यह काम करते हैं H2O ले लेते हैं, मिक्सचर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनीथिंग सिस्टम तो कोई कैसा भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हेट्रोजीनियस भी, मिक्सचर भी ले सकते हैं जैसा मर्जी. तो अगर मान लो इस तरह का कोई सिस्टम है, तो कितने लोग कह रहे हैं इसमें सर ना बहुत सारे तरह की एनर्जी, अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो हाइड्रोजन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एनर्जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का एनर्जी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो वाइब्रेशन हो रहा होगा उसकी एनर्जी, और अब अंदर घुसना शुरू कर दें तो ऑक्सीजन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का एनर्जी, इसमें काइनेटिक भी होगा पोटेंशियल भी होगा. सर और अंदर घुसना शुरू कर दो तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, न्यूक्लियर फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी भी एनर्जी. सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल इट्स इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक में वाइब्रेशनल भी है, रोटेशनल भी है, ट्रांसलेशनल भी है, सारे इंटरनल की बात हो रही है. समझ में आया? दो बातें हैं, इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे उठा के ऐसे फेंक दूं, बाहर से आप देख रहे हो तो जो उसका स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी निकल के आएगी वहां से, हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल आई. अंदर यहां बैठ करके देखो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें. समझ में आया? तो ये बात लिखोगे नोट करके बहुत अच्छे से, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. ऑल टाइप ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. समझ में आया सबको? ऑल टाइप ऑफ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल टाइप ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बेटा. सबको क्लियर है? अब मुझे बताओ
क्या आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यू निकाल पाओगे? नहीं निकल पाएगा भाई। वाइब्रेशनल और रोटेशनल और उससे भी ज्यादा न्यूक्लियर वहां तक पहुंच गए तो उसका फोर्स ही नहीं क्लियर है, उसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले? समझ में आ रहा है ना? सो वी कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ना अच्छा इंटरेस्टिंग है ना, यू नहीं निकाल पा रहे लेकिन यू टू माइनस यू वन निकल जा रहा है। ये कैसे निकल रहा है? यू टू माइनस यू वन निकल कैसे रहा है? आंसर है, ये मिरेकल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी कंजर्वेशन का, कि भाई जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, जो भी वर्क करोगे, वो जाएगा कहाँ? अंदर वाले मॉलिक्यूल का, या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा या तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, यही करेगा ना। तो इसलिए हम वो डेल्टा यू वर्क एंड हीट के पाथवे से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ओके okay. तो ये है बेनिफिट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता हो तो भी आप चेंज निकाल सकते हो। और सबसे प्रैक्टिकल चीज पता है क्या है? हीट। क्योंकि वर्क को भी मॉनिटर करना कितना टफ है। देखो वर्क में रिवर्सिबली जा रहा है कि इरिवर्सिबली, कैसे रिवर्सिबली हम लेके जाए, कितना टफ काम है। तो वर्क को भी जीरो कर दें, अगर वर्क जीरो कर दें तो क्या डेल्टा यू बड़े आराम से निकल जाएगा? जितना हीट आपने सप्लाई किया है वो तो क्वांटिटेटिव चीज है, वो आप मेजर कर सकते हो कितनी हीट सप्लाई करी। सो हीट सप्लाइड सच दैट देर इज नो वर्क डन विल कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। समझ में आ रहा है? बोलो, वर्क को कैसे ना होने दूं? इलेक्ट्रिकल वर्क कराओ मत, और डेल्टा वी जीरो कर दो, वॉल्यूम जीरो कर दोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया तो पीडीवी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अरे बाबा, जब वी कांस्टेंट रख दो तो ये तो खत्म हो गया ना। इसलिए बोलते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटर। लिखो ये बात नोट करके। हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा इंटरेस्टिंगली, फॉर आइडियल गैस कितने लोग कह रहे हैं कि क्यू वी कैन बी कैलकुलेटेड बाई एन सी वी डेल्टा टी। ये सुनो, और सी वी का वैल्यू हमें मालूम है, तो आइडियल गैस के लिए आप डेल्टा यू की वैल्यू लिख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आइडियल गैस के लिए ही लिखना, बाकी चीजों के लिए हम लगा। बिल्कुल सबको क्लियर हो गया ये? बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, किया जाए क्वेश्चन करें। लिखे तो फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस व्हेन व्हेन its temperature is changed from 300 Kelvin to
400 केल्विन गिवन गैस इज डायटॉमिक. बोले निकालिए पहले, पेज नहीं पलटना है, पेज नहीं पलटना है, क्लास खत्म हो रही है ना, दिमाग में सारे वैल्यूज रखने. बताओ मुझे नहीं, कुछ नहीं मुझे पता है, जल्दी बताओ वैल्यू बताओ. 1000 कैलोरी आ रहा है, गुड. और लोग निकालिए. सबको आ रहा है? कितना सिंपल है. कितने लोग कह रहे हैं कि सर जैसे ही आपने डायटॉमिक बता दिया वैसे ही सीवी की वैल्यू हमें पता चल गई. सीवी की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2 आर. अच्छा सीवी चाहिए क्यों? क्योंकि हमें डेल्टा यू अगर क्यूवी मालूम है तो निकल जाएगा, एंड क्यूवी के लिए एनसीवी डेल्टा टी करना पड़ेगा. नंबर ऑफ मोल कितना था? 2 था ना, इंटू सीवी का वैल्यू 5/2 आर इंटू डेल्टा टी बाई कितना हो रहा है 100. कितना आ गया आंसर? 500 आर. आर की वैल्यू कैलोरी में रख दोगे तो 500 इंटू 2 कैलोरी कितना आ गया? 1 किलो कैलोरी आंसर है. सबको समझ में आ गया? सबने कर लिया ये चीज? ओके ग्रेट, वेरी नाइस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच इज एंथैल्पी. हेडिंग डालिए. और अब हम लोग यहां तक तो हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है चीजें. देखो ग्राफ राफ से रिलेटेड बहुत सारे जो डिस्कशन होते हैं बेटा वो मोस्टली फिजिक्स में होते हैं, तो आप वहां पे पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, ठीक है? तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं घुसूं. हमारा मेन काम था ये टर्मिनोलॉजी समझाना, और अब मैं केमिस्ट्री के जोन में घुसने जा रहा हूं जो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते. हेडिंग क्या डालना है आपको? एंथैल्पी. ओके क्या हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग? What is enthalpy? Who will tell me? Anyone having any idea about enthalpy? Represented by symbol H. बताओ, मैंने बोला था it is a state function. ध्यान है ना सबको? Internal energy, enthalpy सब state function. How do we define? So enthalpy is defined as the sum of internal energy plus product of pressure into volume. How do we define H? Sum of internal energy plus product of pressure into PV. बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? बोलो. तो जैसे इंटरनल एनर्जी को टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, वैसे एंथैल्पी का कोई एक एब्सोल्यूट मीनिंगफुल डेफिनेशन जैसा नहीं है. इट इज मोर like a mathematical terminology rather than this. हाँ, लेकिन इसको रिलेट करते हैं हीट के साथ. पहले इसको समझते थे कि किसी भी रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक या जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जो हीट बाहर निकल के आ रही है, उसी को पहले enthalpy change समझते थे. बट आंसर है enthalpy एंड हीट दोनों अलग अलग चीजें होती है. enthalpy स्टेट फंक्शन होता है और हीट पाथ फंक्शन, दोनों सेम चीजें नहीं है. समझ में आया ना? तो अब इसको इसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में ही रखेंगे हम हमेशा. H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी. अब यहां पे फिर से वही बात, बताओ क्या आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते. तो क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं. लेकिन डेल्टा यू निकल जाता था ना, तो डेल्टा एच भी निकल जाएगा. डेल्टा यू कैसे निकालते थे? हीट की मदद से एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसमें दिमाग लगाएंगे कैसे निकालना है. तो फिलहाल ये बात लिखो नोट करके. वी कैनॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम.
we cannot determine the enthalpy, absolute enthalpy of a system, but we can calculate, we can measure, chalo koi baat nahi chalega, we can calculate change in enthalpy. कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी? आप थोड़ा सा एक टाइम देंगे फिर मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा. तो कितने लोग कह रहे हैं कि अगर सर इस एच को थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो कैन वी राइट डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी ऑफ पी वी? कैन वी राइट लाइक दिस? अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी. बेटा डेल्टा ऑफ पी वी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पी टू वी टू माइनस. सबको क्लियर है? अच्छा एक बार बताओ, डेल्टा यू की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं क्यू प्लस डब्ल्यू? लिख सकता हूं यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोलो ना. सबको क्लियर है? अच्छा डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं अगर हमारा कॉन्स्टेंट, मेरी बात ध्यान से समझना, W अगर मैं बोल दूं कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो कितने लोग कह रहे हैं Q की वैल्यू तो Q ही रहने देता हूं. एंड ये जो W की वैल्यू है, W की वैल्यू, ये W की वैल्यू, W हमारा क्या होता है? माइनस पी डी वी. माइनस ना जी, माइनस क्यों भूल जाते हो, सारा गेम हो जाएगा उल्टा सीधा. सो पी को पी रहने देंगे और ये बी टू माइनस बी वन, यानी माइनस पी डेल्टा. अभी कितने लोग कह रहे हैं प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट हुआ ये भी बाहर आ जाएगा, ये प्लस पी डेल्टा वी है और डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी है, ये दोनों टर्म खत्म हो गया. तो कुछ समझ आया? तो मैंने वही लिखवाया अभी आपको थोड़ा देर पहले कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी बता सकते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. राइट इट डाउन. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच बाय सप्लाइंग द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. देखो हीट बड़ा प्रैक्टिकल सा टर्म है, बार बार समझाता हूं. बाई सप्लाइंग द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. बाई सप्लाइंग द हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हो गया स्टेटमेंट. दैट इज करके लिख लो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी. दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी. What is QP here? Heat supplied at constant pressure. सबको क्लियर है? फिर कितने लोग कह रहे हैं, अच्छा ये डिराइव करना हो तो डिराइव करके लिख लो बढ़िया से. तो कितने लोग कह रहे हैं कि आइडियल गैस के लिए फिर एक मिराकल है क्या? QP is equal to NCP delta T. बोलो. तो हम लोगों का डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई? एन सी पी डेल्टा. लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए यूज करोगे? हाँ, ओनली फॉर आईजी आइडियल गैस. इक्वेशन लिखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ change in enthalpy. Find the value of change in enthalpy if 5 mole of methane which is at
5 mole of methane, which is at 127 degree Celsius, is converted to 227 degree Celsius. Okay. कितना जल्दी निकालो बेटा, कितना आ रहा है? 4000 कैलोरी। देखो ध्यान से, जो सीपी का वैल्यू है, CH4 गैस है, पॉलीएटॉमिक है, तो कितना हो जाएगा 4R, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, एन की वैल्यू कितनी थी इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, क्या आ गया आंसर 4000 कैलोरी। तुम लोगों ने यूज कर लिया ना 4 किलो कैलोरी डेल्टा एच के। सबको क्लियर है? क्या डेल्टा यू नहीं निकाल पाते आप? निकाल पाते। समझ में आ रहा है सबको? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अब देखो, तुम लोगों को मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि Cp माइनस Cv का वैल्यू R होता है, ये मैं डिराइव करवाऊंगा। अब देखो, आपके पास H इज इक्वल टू क्या था, U प्लस Cv। बोलो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ DH इज इक्वल टू DU प्लस PD, PdV प्लस VdP, या छोड़ो ना इसको, सिंपली क्या लिख देते हैं D ऑफ PV। हाँ, अच्छा, इस PV की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ NRT, किसके लिए? आइडियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस के लिए लिख सकते हैं ऐसा चीज। ये सुनो, कितने लोग कह रहे हैं एन और आर तो कांस्टेंट होता है सर, ये डीटी हो गया, ये क्या है एनसीबी डीटी, सबको मालूम है ना, ये क्या है एनसीपी डीटी। बेटा मोल डीटी ये सब खत्म करा दो, सीपी इज इक्वल टू सीबी, डिराइव हो गया रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, आ गया ना। इतना सिंपल था फॉर आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस। सबको यहां तक समझ आ गया है बेटा? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना? हाँ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, इसके बाद इंथैल्पी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे कल वाले क्लास में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।